प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार भाग में पेत्रस ईसा मसीह से कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ के आपके अनुयायी बन गए हैं। हम भाइयों बहनों, आज हम लोगों के जीवन में ईसा मसीह के अनुयायी बनने के लिए पवित्र वचन सुनना है या ईसा मसीह के आदेशों को, उन्हीं के बातों को मानना चाहिए। अब सवाल यही आ जाता है कि समस्या कहां पर है? इन्हीं वचन को सुनने पर नहीं, उन्हीं वचनों को ग्रहण करने पर है। संत मत्ती के सुसमाचार 13:22 वाक्य में बीज बोने वाले को उसी दृष्टांत के जरिए ईसा मसीह उसी वचन के ऊपर आने वाला एक समस्या के बारे में हम लोगों को सचेत कर रखे हैं। ईसा मसीह कहते हैं, जो कांटों में गिरी हुई है बीज, कांटों ने बढ़ करके उसी बीज को दबा देते हैं। उन्हीं के वाक्य के रूप में ईसा मसीह यही कहते हैं कि संसार के लोग और धन के मोह इसी वचन को दबा देते हैं। आज हमारे जिंदगी में कौन सा लोभ या कौन सा मोह उन्हीं वचन को बढ़ने के लिए, प्रगति प्राप्त करने के लिए, उसी को ग्रहण करके उचित फल उत्पन्न करने के लिए रुकावट के रूप में खड़े रहते हैं। उन्हीं समस्या को निराकरण करते हुए हमें अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सब यीशु।